बजरंग पोनिया का जीतना जो था, जीत पक्की हो गई, जीत पक्की हो गई और बजरंग पोनिया जीत गए हैं। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ वो जो है मेडल से अब एक कदम दूर है। बजरंग पोनिया के लिए ये थोड़ा कांटे का मुकाबला जरूर हुआ, आखिर में आके 7 सेकंड में ये जो है वो बहुत देर तक डोमिनेट करते रहे, क्योंकि देखिए हम खबर पढ़ने के साथ साथ देखिए मैच देखने का काम भी कर रहे हैं। और एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें कि 65 किलो वर्ग में बजरंग पूनिया ने अपना मुकाबला जीता और जीत से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं बजरंग पूनिया। वो लगातार लीड कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन आखिर के कुछ मिनट में थोड़ा सा गेम बदला। जो उनके ऑपोजिशन के खिलाड़ी थे, किर्गिस्तान के खिलाड़ी थे, उन्होंने भी दांव चले, लेकिन अल्टीमेटली जीत भारत की हुई है। बजरंग पूनिया ने अपना ये मुकाबला किर्गिस्तान के खिलाफ जीत लिया है और समीप हम इस मुकाबले को देखकर ये कह सकते हैं कि हमारी पदक की आस और पदक की आशा एक कदम और आगे बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है यहाँ पर। बजरंग पूनिया से उम्मीद ना करें तो किससे करें, दुनिया के टॉप रैंक्ड रेसलर है अपनी कैटेगरी में। और जिस तरीके से बजरंग पूनिया का प्रदर्शन रहा है पिछले 2-3 सालों में, उन्होंने हर जगह जाके, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो चाहे एशियन गेम्स हो, हर जगह उन्होंने मेडल लिया है। तो बजरंग पूनिया से उम्मीद भी है और बजरंग पूनिया का दबदबा भी है, वो एक रुतबा भी जो होता है वो रुतबा भी है रेसलिंग के मैट पे, रेसलिंग में अपने वेट कैटेगरी में 65 किलो कैटेगरी में। से ज्यादा बातें तो बजरंग पूनिया की हो रही थी। बिल्कुल हुई है। बजरंग पूनिया बड़े सेलिब्रेटेड रेसलर है, बड़े लोग इनको पहचानते हैं और बजरंग पूनिया के बारे में आप देखेंगे कि हर तरफ बातें होती हैं, रेसलिंग सर्कल्स में बातें होती हैं। और जब ये ओलंपिक टीम जा रही थी हमारी, जब ये दस्ता जा रहा था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, तो जो मेडल कंटेंडर्स थे ओलंपिक में कदम रखने से पहले, उनमें अगर रेसलिंग की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है बजरंग पूनिया का। तो बजरंग पूनिया से अब उम्मीद है कि अगले राउंड में देखना होगा उनके ओपोनेंट कौन है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि ये अगली जो बाउट है उनकी कितनी मुश्किल होने वाली है या फिर आसानी से वो उस बाउट को भी जीत सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।